हेलो, हाय सर, मैं इरावती रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। क्या काम है? सर, कल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, तो मैंने आपका फीडबैक जानने के लिए फोन किया है सर। रात के 2 बजे तेरे बाप ने लिया था क्या फीडबैक? वो सर, मेरी नाइट ड्यूटी है इसलिए। हाँ तो तेरी नाइट ड्यूटी तो हमारी नींद क्यों खराब कर रहा है बे छछुंदर? सर, अब फोन उठा ही लिया है तो दे दीजिए ना फीडबैक। हाँ बोल, क्या जानना है? सर, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपको हमारा चिकन मंचूरियन सूप कैसा लगा। क्या? अबे गोभी मंचूरियन सूप खाया था हमने, प्योर वेजिटेरियन है हम। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने तो चिकन मंचूरियन ऑर्डर किया था। अबे भोपाली के एक शाकाहारी आदमी चिकन ऑर्डर क्यों करेगा बे? लेकिन सर, हमने तो आपको चिकन ही दिया था। अबे चिकनी गांड, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, वाट लगा दूंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट की। एक एक मिनट सर। सर, हमने तो आपको चिकन ही दिया था। क्या? अबे चिकनी गांड, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, वाट लगा दूंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट की। एक एक मिनट सर, क्या आपको खाना खाते समय कोई हड्डी लगी थी? हड्डी? हश, कोई हड्डी नहीं थी। हाँ, बच गए हम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या कोई हड्डी नहीं थी? नहीं बोला ना। इसका मतलब है सर, मुर्गी को पोलियो था। ए, चिकन चूती है। पहले तो तुम लोगों ने एक शुद्ध शाकाहारी फैमिली को मुर्गी खिलाई, और वो भी पोलियो वाली मुर्गी। सर, टेंशन मत लीजिए, हमने मुर्गी को पोलियो डोज दिया था। मुर्गी को पोलियो डोज? तुम्हारी माँ का चप्पल फेंक के मारो क्या? एक वेजिटेरियन को पोलियो वाली मुर्गी खिलाते हो? सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप वेजिटेरियन। एक बार मैंने गोला शेयर बुक की, सोचा आज शेयर कर लेता हूँ, पैसे बच जाएंगे। फिर मैंने ऐप में देखा तो वहाँ लिखा था, नाउ यू आर ट्रैवलिंग विद रसिका। अब रसिका सुन के मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने पहले से ही अपने दिमाग में रसिका को इमेजिन कर लिया था, जैसे जिन स्टॉप में एक हॉट सी लड़की बैठी होगी गाड़ी में। मैं डीओ परफ्यूम मार के नीचे गया। एक सफेद कलर की वैगनर मेरे सामने आके रुकती है, जिसमे एक 100-150 किलो का डंपर बैठा है। नहीं, 50 साल की औरतों का नाम रसिका कब से होने लगा बे? यहाँ बैठे बैठे मेरे खड़े अरमान सो गए। भाई, मैंने भी एक बार गोला शेर बुक की थी, फिर शेर आया ही नहीं, एक पीली गाड़ी आ गई। ये चप्पल कहाँ गई? बोलिए मैडम, क्या सेवा करूँ आपकी? नहीं नहीं, हम तो बारिश से बचने आए थे। बारिश हो रही है तो मैं क्या छाता दिखता हूँ तुम लोगों को? सालों फकीरों, एक छाता नहीं खरीद सकते तुम लोग? कोई बारिश से बचने आता है, कोई एसी की ठंडी हवा खाने आता है, कोई मेरे मिरर में सेल्फी खींच के चला जाता है। कल तो एक बेवड़ा मूंद के चला गया मेरे पे, मालूम? कोई इज्जत ही नहीं है एटीएम की। वो नोटबंदी के टाइम पे तुम लोगों की सबसे ज्यादा मदद मैंने की थी। मैंने वो अखबार वालों ने कोने में एक आर्टिकल नहीं छापा मेरे बारे में। नहीं तुम लोगों के लिए मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया हूँ। अरे कम से कम 1000 रुपए तो निकालो। अच्छा कम से कम 500? ना बोला ना, ना 100? नहीं 10 रुपए? नो मींस नो। अच्छा ये लो कार्ड। वाह, किसी को तो दया आई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बोलिए मैडम, कितना निकालू? नहीं बैलेंस चेक करना है मुझे। चल भाग, भाग। आई बड़ी बैलेंस चेक करने वाली, फकीरों की राम गोपाल वर्मा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।